नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं पूजा। न्यू मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन संघ मध्य प्रदेश के प्रांतीय अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह तिवारी के आह्वान पर प्रदेश के सभी जिलों की भांति रीवा जिले में भी अध्यक्ष नरेंद्र शुक्ला के नेतृत्व में विवेकानंद पार्क रीवा में बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिला के सभी पदाधिकारी और सैकड़ों NPS कर्मचारियों ने सहभागिता ली। वहीं प्रांतीय निर्धारित एजेंडे पर चर्चा करते हुए जिले में मजबूत बनाने हेतु सभी साथियों ने अपने सुझाव रखे। बजट सत्र के पूर्व विधानसभा में पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाली संकल्प पारित करवाने हेतु प्रदेश के सभी विधायकों के घर धरना देकर ज्ञापन सौंपने की रणनीति के अनुसार रीवा जिले के सभी विधायकों के घर धरना देकर पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाली हेतु विधानसभा सत्र में संकल्प पारित करवाने का ज्ञापन सौंपा जाएगा, क्योंकि 40 साल की सेवा करने वाले सरकारी कर्मचारियों को पेंशन बंद कर NPS तथा एक दिन के लिए भी विधायक सांसद बनने पर पेंशन, जितनी बार जीत उतनी पेंशन, ये कैसा कानून है? जन सेवा के लिए पेंशन, सरकार की सेवा करने वालों को पेंशन की जगह शेयर बाजार की NPS। वहीं बैठक में अभी सेवानिवृत्त राधा दुबे ने अपनी पीड़ा व्यक्त की। जल्दी ही रीवा में हजारों की संख्या में पेंशन अधिकार सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। रीवा जिले में ही उपस्थित प्रांतीय अध्यक्ष ने कहा कि शीघ्र ही भोपाल में सभी जिलों के प्रयासों से हल्ला बोल पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाली हेतु आंदोलन किया जाएगा। आप सभी रीवा के साथ ही तैयार रहें। जिला अध्यक्ष नरेंद्र शुक्ला ने सभी पदाधिकारियों को लगातार संपर्क स्थापित करते हुए संघ को मजबूत बनाने और विधायकों के घर धरना देकर ज्ञापन सौंपने के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की है। OPS जिंदाबाद, NPS जिंदाबाद, NPS जिंदाबाद, OPS जिंदाबाद, OPS जिंदाबाद, पुरानी पेंशन बहाल करो, पुरानी पेंशन बहाल करो, बहाल करो, पुरानी पेंशन बहाल करो, बहाल करो। 200,000 चल रहे हैं, प्रति वर्ष इतने रिटायर हो रहे हैं, उनका घर का खर्चा कैसे चलता होगा? आइए सुन लीजिए बहन की खुद जुबानी, बहन स्वयं बताएंगी। क्या नाम है आपका? श्रीमती राधा जी। आप बताएं, आपको कितनी पेंशन मिल रही है? 300 तो मिल रहा है महीने, 300 में क्या होता है, 1,000 के टूट आधा किलो की जाती। कितने साल आपने सेवा किया? हम 16 साल, सन 2006 में हमने हमारी नियुक्ति हुई विकलांग कोटा में, तो केसरी ब्लॉक जिला सागर में नौकरी किए थे, तो 2,500 रुपये मिलता था। 6 साल बाद आपको अब कितनी पेंशन मिल रही है, मिलेगी? 300 रुपये। 15 साल की तो कटा, 15 साल में 6 साल तो मैं। आपका जीवन कैसे गुजरेगा, किस स्थिति पे आप है, कोई संदेश यदि प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री जी को देना चाहती हैं मुख्यमंत्री तो आप बताएं। निवेदन करना चाहती हूँ कि OPS किया जाए, ताकि हम सब लोग सब शिक्षक जी सकें, क्योंकि अब बुढ़ापे में शिक्षा की गरिमा भी नष्ट हो रही, हम काम करने लायक हैं नहीं, विकलांग हैं, असहाय हैं, विधवा के समान ससुराल मेरी जिंदगी जी, और हम ज़्यादा क्या मुख्यमंत्री जी से बताएँ, क्योंकि बताने की बात नहीं मुझे दर्द हो रहा, इसलिए हम लोग पेट को देखते हुए मुख्यमंत्री जी OPS लागू कर दी, बस यही उनसे निवेदन करते हैं, क्योंकि अपना भाई का नाम उज्जवल रखते, ताकि उनके मस्तक पर कलंक का टीका ना लगे, कहीं हम लोग मर जाएँ बीमार होते होते और दवाई ना करा पाएँ। और कुछ? और इतने भी सब समझ गए होंगे कि बहुत दुखी है, ज़्यादा बोले तो कुछ भी अच्छा नहीं है। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज। नमस्कार। खुल गया, खुल गया, खुल गया। आपके शहर में सर्व सुविधा युक्त स्काई रेस्टोरेंट खुल गया। वेज नॉन वेज भोजन का लुत्फ उठाने के लिए अवश्य पधारें। हमारे यहाँ स्काई स्पेशल थाली के साथ जन्मदिन, तिलक, एंगेजमेंट, रिसेप्शन के लिए हॉल उपलब्ध है। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए संपर्क करें 9039033661 पर। पता याद रखें, स्काई रेस्टोरेंट, विश्वविद्यालय रोड, लोटस टावर, खुटे ही, रीवा।